thoughts and ideas and other information. That is called communication. मास मीडिया क्या होता है बेटा? मास मीडिया मैंने आपको बताया था, जब हम कोई इंफॉर्मेशन एक ही टाइम में पूरी दुनिया को देना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उसको हम मास मीडिया कहते हैं। जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये मास मीडिया का एग्जांपल है। इसमें अगर हम कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज देना चाहते हैं तो एक साथ लोगों को मिल जाती है, बार बार नहीं बोलना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट है एरोग्राम्स बेटा। एक होता है लेटर, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, ये होते हैं अगर हमारे कोई रिलेटिव अपनी कंट्री के अंदर ही रहते हैं तो हम वो भेजते हैं। लेकिन एरोग्राम्स होते हैं जब हमारे रिलेटिव फॉरेन में रहते हैं, किसी अदर कंट्री में रहते हैं, तो हम जब अपने लेटर्स को वहाँ भेजना चाहते हैं तो हम एरोग्राम से थ्रू भेजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफ वन कैनोट हियर, मीन्स जो सुन नहीं सकता, डम वन कैनोट स्पीक, जो बैक बोल नहीं सकता, मीन्स गूंगा। फुल फॉर्म ऑफ PIN, पोस्टल इंडेक्स नंबर। आपको पेपर में बेटा PIN के चार ऑप्शन दिए होंगे, तीन तो गलत होंगे, एक ठीक होगा, तो आप ठीक वाला याद कर लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, आपने इसको टिक करना है। इसी तरह सेम SPD, सब्सक्राइबर ट्रंक डायरी, ISD, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायरी, ठीक है। ये तो इंडिया के लिए होता है, जैसे अपनी कंट्री के लिए, अपनी ही कंट्री के अंदर ये होता है इंटरनेशनल कॉल के लिए, देखो इंटरनेशनल आ गया। बीन एंड डम पीपल यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, जो बूढ़े बहरे लोग होते हैं, अगर उनको अपनी बात किसी को पहुंचानी होती है, समझानी होती है, तो वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। स्पीड पोस्ट करता है कि पोस्ट ऑफिस में फैसिलिटी होती है, क्विक मेल सर्विस, जिसको हम स्पीड पोस्ट कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज ऑफ लेसन 10-11। नाउ वी विल डू मॉडल टेस्ट पेपर 1। ये टेस्ट पेपर बेटा आपने जितना भी सिलेबस अभी तक किया है उनसे रिलेटेड है, उन्हीं के बीच में है, बीच में से है, आपने किया हुआ है, फिर भी हम एक बार फिर इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है बेटा। टेक द करेक्ट आंसर। अ स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, एटम फैमिली। बेटा आपको इसमें पेपर में चार चार ऑप्शन दिए होंगे, आपको आंसर सही आंसर याद करना है, तो इसका आंसर है न्यूक्लियर फैमिली। द ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाई, ब्रेल को आपने ब्रेल से रिलेट करना है, ठीक है बेटा। तो ब्रेल को किसने इन्वेंट किया था? लुइस ब्रेल ने, ठीक है। एस्किमोज लिव इन कारवा, टेंट, इग्लू, तो एस्किमोज जो हैं वो कहाँ रहते हैं? इग्लू में। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इंटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, STD स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स। द वर्क पीपल डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन, ब्रेल स्क्रिप्ट इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग विद रेज लेटर्स ऑन अ शीट, कारवांस आर हाउसेज ऑन व्हील्स, द फोर मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, फ्राइंग मीन्स कुकिंग फूड इन हॉट बटर, घी और ऑयल, द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, ट्रू फॉल्स, ब्लाइंड पीपल रीड विद द हेल्प ऑफ द ब्रेल स्क्रिप्ट, तो ये ट्रू है। इग्लूज आर मेड ऑफ कैनवस, फॉल्स, चेस इज एन इंडोर गेम, ट्रू, यस ये घर के अंदर खेली जाने वाली गेम है, वाटर पोल्यूशन इज नॉट हार्मफुल, फॉल्स ये हार्मफुल होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, राइट, क्योंकि इसमें हमें रोड की जरूरत नहीं पड़ती बनाने की, तो उसमें जो खर्चा आता है वो बच जाता है। ईमेल इज अ स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रॉन्ग, ये तो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मैचिंग, फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। TV क्या है? मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। कैनवस वाटर प्रूफ होता है। ब्रेल स्क्रिप्ट ब्लाइंड पीपल के लिए होती है। इडली एंड सांभर तमिलनाडु की फेमस डिश है।
तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये भी आपने किए हुए हैं, तो ये आप अपने आप तैयार करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये एक्सरसाइज भी आपको, ये टेस्ट पेपर आपको याद करना है। ओके बेटा, थैंक यू।